मुझे किसी तरह सूर्य देव को रोकना होगा। अब लंका में सूर्य अपने नियत समय से पूर्व उदित हो जाएगा। और सूर्य की प्रथम किरण स्पर्श होते ही वो नागपाश का महाघातक विष प्रभावकारी हो जाएगा और क्षण भर में ही अंत हो जाएगा उस नार और उसके संपूर्ण वानर सेना का। सूर्य की किरणें अभी भी लंका की ओर बढ़ रही हैं। मेरी चेतावनी से भयभीत हो गया है सूर्य, इसलिए समय से पूर्व भी अपनी किरणें लंका तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है वो। हमारी विजय हो ही गई। सूर्य देवता होकर भी अन्याय का साथ कैसे दे सकते हैं? मेरे नेत्र जो देख रहे हैं वो सत्य नहीं हो सकता, धर्म परास्त नहीं हो सकता, मर्यादा परास्त नहीं हो सकती, ना ही मेरे स्वामी श्री राम को कोई परास्त कर सकता है, ना ही संकट मोचन हनुमान को परास्त किया जा सकता है। प्रकाशित त्रिजगत सूर्य का नहीं गरुड़ है। मेरे प्रभु श्री राम को संकट से उबारने के लिए आए। अवश्य ही संकट मोचन हनुमान ने इस असंभव कार्य को संभव किया। नागों का भक्षण कर जाने वाले गरुड़ देव क्षण भर में नागपाश को तोड़ देंगे। प्रभु को विष बाधा पहुंचाने का प्रयास किया है दुष्ट नागो तुमने। प्रभु, मेरे प्रभु, प्रभु अब मैं आपको और कष्ट सहन नहीं करने दूंगा। संपूर्ण वानर दल भी विष बाधा से ग्रसित है। हनुमान ने मुझे यहां तक पहुंचाया, सूर्य की किरणों को बाधित किया। अब आपकी सेवा करने का अवसर मेरा है। प्रणाम गुरुदेव, मैं क्षमा याचना के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब तक गुरुदेव अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेते तब तक मैं आपका मार्ग बाधित करने के लिए विवश हूं। प्रभु श्री राम को संकट से मुक्त कराने के लिए, धर्म और मर्यादा की रक्षा करने वाले योद्धाओं के जीवन की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है गुरुदेव।
दुष्ट नागो, अब तुम्हें गरुड़ का भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है मेरे स्वामी पर आया हुआ संकट टल रहा है। अकस्मात ही ये प्रकाश कैसे लुप्त होने लगा? दादा लंकेश, मेरा कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया हनुमान। मैंने प्रभु और संपूर्ण वानर सेना को नागों और विष बाधा से मुक्त कर दिया है। अब शीघ्र ही सब स्वस्थ हो जाएंगे। अब तुम प्रभु की सेवा में जा सकते हो हनुमान, और मैं इन नागों का भोग लगाऊंगा। गरुड़ देव, आपने प्रभु और सभी को इस संकट से मुक्त करके हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपको हुई असुविधा के लिए मैं पुनः आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुदेव, धर्म युद्ध के लिए आपके मार्ग को अवरुद्ध करना मेरे लिए अनिवार्य था। गुरुदेव, तुम्हें क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान, क्योंकि सूर्य उदय अब अपने नियत समय पर ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? रावण ने मुझे समय से पूर्व ही सूर्य उदय करने के लिए विवश किया था। मुझे समय सीमा की मर्यादा तोड़ने से रोक कर तुमने मुझे अधर्म करने से बचा लिया। भ्राता लंकेश, भ्राता लंकेश, सूर्य का प्रताप लुप्त हो गया है। लंका में पुनः अंधकार छा गया है, जैसे कि सूर्य उदित हुआ ही ना हो। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि उन नर और वानरों को बचाने के लिए ये कोई षड्यंत्र रचा गया है। खोलिए प्रभु, आपको इस स्थिति में और नहीं देख सकता मैं। प्रभु, प्रभु, प्रभु उठिए,
प्रभु उठिए, प्रभु 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 उठिए, प्रभु प्रभु उठिए ना। प्रभु प्रभु धन्यवाद हनुमान, तुमने पुनः उपकार किया है राम के जीवन की रक्षा करके। प्रभु धन्यवाद का पात्र मैं नहीं, विनता पुत्र गरुड़देव जी हैं। उन्होंने ही आपको और सबको नागपाश से मुक्त कराया है प्रभु। किंतु हनुमान, गरुड़ को यहाँ तुम लाए, सूर्य देव को तुमने अधर्म से बचाया। मेरा आशीर्वाद है कि यदि कोई किसी भी प्रकार की पीड़ा से ग्रस्त होगा और तुम्हें स्मरण करेगा तो उसके कष्ट का निवारण शीघ्र ही हो जाएगा। प्रभु आप हैं तो हनुमान है, आपके बिना हनुमान का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु ये जो कुछ भी हुआ है वो सब आप ही के प्रताप से हुआ है प्रभु। हनुमान के साथ छल करने का दुस्साहस किया तुमने। मैंने कोई छल नहीं किया लंकेश, मैंने तुम्हारे निर्देश अनुसार अपनी गति बढ़ा दी थी, किंतु मेरा मार्ग अवरुद्ध किया हनुमान ने। महाविकराल रूप लेकर उसने मेरी रश्मियों को रोके रखा और इसी मध्य मेरे समान दे दीप्यमान तेज से आलोकित गरुड़ देव ने रणभूमि में जाकर सबको नागपाश से मुक्त कर दिया। प्रभु हमें मृत समझकर राक्षस आनंद के साथ निद्रा मग्न होंगे, उन्हें हमारे जीवित होने का प्रमाण दे देना चाहिए। मेरे वीर वानर योद्धाओं, मेघनाथ के इस कृत्य को पराक्रम समझकर प्रसन्न होने वाले उन राक्षसों के कानों तक हमारे जीवित रहने और युद्ध के लिए पूर्ण सज्जित होने का संकेत भेज दो। ये ध्वनि मेरे स्वामी श्री राम के सकुशल होने की है जो अब हर एक राक्षस के हृदय को भय से प्रकंपित करेगी। ये नर और वानर तो पुनः युद्ध के लिए उठ खड़े हुए, किंतु अब और देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे ये। तुम राक्ष लंकेश। हा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 ह
धृतराष्ट्र। जय लंकेश। अकंपन जय लंकेश। लंकेश, प्रभु आज हमारी सेना को और भी सतर्क एवं सावधान रहना होगा, क्योंकि इस असफलता के पश्चात रावण अपने सबसे अधिक दुर्दांत मायावी राक्षसों को युद्ध के लिए भेजेगा। चारों मेरे सर्वोत्तम रक्ष योद्धा हो, मेरे निपुण मारण यंत्र। तुम में से एक एक योद्धा उस संपूर्ण वानर सेना को एकाकी ही कुछ ही क्षणों में समाप्त करने का सामर्थ्य रखते हो। फिर भी मैं तुम चारों को एक साथ भेज रहा हूं ताकि आज ही हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। तुम सभी मुख्य सेना नायक प्रहस्त के नेतृत्व में आज ही युद्ध भूमि में उतरोगे। जो आज्ञा लंकेश। सौंपता हूं प्रहस्त, मुझे वचन दो कि तुम उस संपूर्ण वानर सेना का अंत करके ही यहां लौटोगे। मैं वचन देता हूं महाराज कि आज वानर सेना को आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। धूम्राक्ष अपने मायावी धूम्र से सबको शिला प्रतिमा बना देगा। और वज्रदंड दृष्ट शिला बने वानरों पर अपने घातक शस्त्र से वार करके उन्हें चूर चूर कर देगा, जिससे कि वो पुनः जीवित ही ना हो सके। अकंपन जब अपने कच्छप रूप में आकर वार करेगा तो कोई भी वानर योद्धा उसके समक्ष क्षण भर भी नहीं टिक पाएगा। और अंततः मैं आगे बढ़कर स्वयं सुग्रीव का अंत कर दूंगा। किसी को अधर्म करने से रोकना सबसे बड़ा धर्म है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।